अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारी मम्मी ही तो है, भूत तोड़ी है। अरे मम्मी तो है, लेकिन मम्मी को लगता है कि हम बहुत अमीर हो गए, उनसे नहीं झूठ बोलना चाहिए था। देखा नहीं तुमने, पेंट भी हमारे से ही करा लिया। यार तो तुम इतना झूठ क्यों बोलते थे, मैं तुम्हें मना करती थी। तुम मुझे रोकती थी, ये सारा रायता तुम्हारे फैलाया हुआ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस सामान जाना पहचाना भी है। हाँ यार एकदम दिखता अपना जैसा। हमारा सामान, ये क्या करने लग गई हम। अरे जल्दी जल्दी कर, टीवी अच्छे से रखना, टूटना नहीं चाहिए, बेचने के काम आएगा। अरे मम्मी जी हमारा सामान कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अरे कंजूसो, इतने मालदार हो गए तो भी इतनी कंजूसी कर रहे हो, ये 6 साल पुराना टीवी चला रहे हो। अरे मम्मी अभी तो उसकी वारंटी भी नहीं गई, 10 साल की तो वारंटी थी इसकी। हाँ मैं क्या करूँ, अब इतना पैसा आ गया है, मैं नया टीवी लाऊंगी, नया। अब मैं इतना बड़ा टीवी लाऊंगी, वो सिमिना हॉल बनाऊंगी घर में, इतने बड़े टीवी पे देखूंगी। मम्मी इससे अच्छा सिमिना हॉल ही ले जाऊंगा तुम्हें यार, इसको भाई इसको वापस रख यार घर में, चल। हाँ चुप रह, चल रे तू, जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ माजी रख रहा हूँ, रख रहा हूँ। अरे मुझे तो पैसे मिल गए, मेरा क्या। अरे हमारा टीवी। ए चिंटू मेरा, देखी इसकी अकड़ देखी। अरे क्या चिंटू चिंटू कर रहे हो, सोफा उठा, चल इसकी मदद कर, जल्दी जल्दी लिखवा। हाँ सोफा टेबल ये सब क्या है माजी, हम के नीचे जमीन पर सोएंगे। अरे क्या बकवास कर रही है, कल ही नया फर्नीचर आएगा देखना तू। मम्मी कहाँ से आएगा, गांव से आ रहा है क्या फर्नीचर, सारा तो तुमने सामान भेज दिया ऐसे, हम कहाँ रहेंगे अब। मम्मी अमीरी का मतलब ये थोड़ी कि घर का सारा सामान बेच दो, क्या हो गया तुम्हें। चुप कर दो, मुझे सिखा रहा है तू, जल्दी जल्दी काम करवा और ये सामान रखवा। और कर लो शो ऑफ, कर लो शो ऑफ, ये देखो घर का सारा सामान बेच दिया, मुझे लग रहा है कल को घर भी ना बेच दे। घर कैसे बेचेंगे, घर तो घर भी किराए पर है। हाँ? अभी ये पता ना लग जाए मम्मी को। अब सामान रखो, क्या होगा भगवान ही जाने। सुनो मैं बाजार से चटाई भी ले आऊंगा। अरे हाँ हाँ वो देखेंगे, अभी तुम आओ इस टेबल को उठाओ। ये और इसकी माँ परेशान कर रहा है, जल्दी आओ। चलो उठाओ, जोर लगा। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही करवाओ, जल्दी 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 करवा जल्दी। मम्मी सुनो, मम्मी तुम एक काम करो, गांव में भागवत हो रही है। हाँ मम्मी जी, और वो सब आप ही को पूछ रहे थे। हाँ? आप चले जाओ आज, कल आ जाना। मेरी माँ बहुत लकी है, जब तक मम्मी कहीं नहीं जाती कोई चीज स्टार्ट नहीं होती हमारे गांव में। आज देख, आज ही मम्मी शाम की ट्रेन से जा रही है। मैंने भी सुना था, इनकी बहुत मान्यता है उधर। एक काम करो, ये सब छोड़ो, होता रहेगा, मम्मी के लिए खाना बना दो, और ज्यादा पूरी बनाना, मम्मी कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना। मम्मी आओ आओ, मम्मी आओ। अरे तू मेरा पागल मत बना, मुझे भेजने को लगा रहता है, जो हमने भागवत करवाई थी वो आए थे क्या, हम क्यों जाएं उनकी भागवत में। कोई बात नहीं, किसी एक को तो झुकना पड़ेगा ना, और बड़े बूढ़े तो लड़ाई करते हुए अच्छे भी नहीं लगते ना। हाँ हाँ हाँ। चलो मम्मी आओ, चलो मम्मी चलो। अरे माँ जी ये सामान का क्या करना है। अरे जो बताया था वही करना है, चल रुक, वो चल इसके किराए भाड़े के पैसे दे दे। लाओ भैया। किराए भाड़े के पैसे भी मैं ही दूं, एक तो सामान सारा घर का बेच दिया। जो कह रही हूँ वो सुन ले और इसके पैसे दे। लाओ भैया पैसे दो। चिंटू पैसे तो मेरे पास है नहीं, कैसे समझाऊं इन्हें। अभी ला रहा हूँ तुम्हारी बहुरानी से लेके। बेटा तू परेशान ना हो, पैसे तुझे मिल जाएंगे, पर काम तू अच्छे से करियो। मारे काम की टेंशन ना लो, अच्छा करूंगा। फिर ठीक है। हे भगवान कहाँ फंस गई मैं इस फैमिली के बीच में, सारा सामान इतनी मुश्किल से लिया था, वो भी सेकंड हैंड, अब सब बेचना पड़ रहा है, चटाई में ही सोएंगे और क्या। पता नहीं कहाँ रह गए यार, अब तो लैट्रिन भी लगने लग गई है, पेट और खराब हो गया।